चीज़ एहसास नहीं दिला सकता हूँ मैं जो चीज़ अभी मैं फील कर रहा हूँ। बहुत ही रिस्की रास्ता है गाइस, पूरी ढलान है। गाइस आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर ले जाऊंगा जहां से खुद महादेव जी होकर गुजरे थे और पांडवों ने भी स्वर्ग में जाने का रास्ता यहीं से बनाया था। ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए यहां पर दिल छूने वाले नज़ारे हमें देखने मिल जाएंगे और हर साल कई लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा देते हैं। बहुत रिस्की है गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस एक्चुअली ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ दुनिया के सबसे डिफिकल्ट टफेस्ट ट्रैकिंग पर, वो है श्रीखंड महादेव यात्रा पर। सो गाइस एक्चुअली मैं व्लॉग वहीं से स्टार्ट करने वाला था बट ये व्लॉग बनाने का रीज़न ये है, देखिए ये बस है, इस बस से मैं जा रहा हूँ और इस बस में हो चुकी है एमरजेंसी। मैं आपको बताता हूँ, इस बस से जा रहा हूँ ये है चंडीगढ़ शिमला रामपुर बस और इस बस में हो चुकी है एमरजेंसी। वहाँ पर जो आंटी जी बैठे हुए हैं उनके साथ में हो चुकी है एमरजेंसी। उनको एक्चुअली कुछ मतलब उनको प्रॉब्लम हुआ है, मेडिकल एमरजेंसी हुई है और यहाँ पर हम लोग रुके हुए एम्बुलेंस के लिए, बट कॉल किए हुए इतना टाइम हुआ है अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई हुई है। सो गाइस अभी ये एम्बुलेंस आ चुकी है, देखिए आगे जा रही है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस आगे जा रही है गाइस, पैसेंजर लगभग 20 से 25 मिनट बाद आई है गाइस एम्बुलेंस। आंटी जी थी जो जिनको इमरजेंसी हुई है। आपको अगर मेडिकली कुछ प्रॉब्लम है तो अपने साथ मेडिसिन जरूर कैरी करिए क्योंकि इस सफर में आपको मेडिकली फैसिलिटी बहुत मुश्किल से ही मिल पाएगी। अब हम बढ़ चुके हैं मंजिल की ओर और आगे की वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों श्रीखंड महादेव यात्रा का ट्रैक आसान नहीं है, यहाँ जाना बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग है, इसलिए आपको यहाँ जाने के लिए तैयारी अच्छी तरीके से करनी होगी। इस ट्रैक पर आप जरूरत की ही चीजें ले जाएं, जैसे कि एक कंफर्टेबल ट्रैकिंग बैग और लाइट वेट शूज जो आपको ग्लेशियर और पहाड़ों की चढ़ाइयों में कंफर्टेबल रहे, एक अच्छा सा विंड शीटर, आंखों के लिए शेड्स और ठंड से बचने के लिए लाइट वेट टी शर्ट कैरी करें। तो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं रामपुर में और सवेरे में मैं 11 बजे शिमला से निकला था और गाइज मैं 2:30 बजे से ट्रेवल, रात के 2:30 बजे से मैं अपने गांव से ट्रेवल किया सरका घाट, सरका घाट से शिमला, तो मतलब लगभग मैं रात में 2:30-3 बजे से मैं ट्रेवल कर रहा हूं और अभी बज रहे हैं 6:45 को मैं रामपुर में पहुँचा हूँ और अभी हम लोगों को जाना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कहाँ पर, वो भी वॉकिंग करते हुए जाना है गाइज। यहाँ पर मंदिर है, मंदिर में हम लोग यहाँ से वॉकिंग जाना है और मंदिर में रात में हम लोग स्टे करने वाले हैं यहाँ पर। सो गाइस ये अभी हम लोग पहुँचे हैं सतलज नदी, ये देखिए गाइस ये है सतलज नदी। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, गाइस अभी मैं हूँ देवढांग मंदिर में, रात में हम लोग इस मंदिर में 9:30 बजे पहुँचे हैं और काफ़ी रात हो गई थी तो मैंने रात में ब्लॉग शूट नहीं किया और रात में हम लोग यहाँ पर स्टे कर रहे थे। देखिए आप मंदिर है और ये मंदिर का हॉल है, जो भी मतलब श्रीखंड महादेव मंदिर जाते हैं तो जिनकी मतलब अपनी इच्छा से यहाँ पर रुक सकते हैं। मंदिर में काफ़ी जो भी है सेवा होती है और यहाँ पर ही हम लोग रुके हैं रात में। यहाँ से मंदिर के बाहर का आपको एक बार व्यू बता देता हूँ कैसा है, ये देखिए मंदिर के बाहर का ये व्यू है। तो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 8:30 और 9 बजे की बस आने वाली है और अभी मैं आपको इस मंदिर का जो मुख्य मंदिर है उसके दर्शन कराता हूँ। गाइस अभी मैं आप लोगों को इस मंदिर के बारे में बताता हूँ, ये मंदिर है देवढांग मंदिर जगह पे और ये मंदिर की भी कुछ रहस्यमय बातें हैं। देखिए ये आप मंदिर है,
बहुत ही पुराना टेम्पल है। जो भी श्रद्धालु श्रीखंड महादेव जाते हैं तो इस मंदिर पर माथा अपना टेक के जाते हैं। और गाइस इस मंदिर के बारे में बहुत ही रहस्यमय बातें हैं, जैसे कि जब भोले जी भस्मासुर जब भोले जी के पीछे मतलब भस्म करने के पीछे पड़ा था, तब भोले जी इस मंदिर में जो गुफा है ये गुफा बहुत ही रहस्यमय गुफा है, यहाँ पर रुके थे। तो गाइस आ जाइए, मैं आपको इस गुफा के अंदर जो भी है भोले जी, गाइस इस गुफा में जाने का ये द्वार है और इस तरीके से बड़े संभाल कर अंदर आना होगा। देखिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो गाइस देखिए ये बहुत ही पुराना जो है गुफा है और यहाँ पर साक्षात भोले जी विराजमान है। दोस्तों जब भी आप श्रीखंड महादेव मंदिर जाए तो देवधांग मंदिर पर अपना जरूर माथा टेकिए, क्योंकि भोले जी भी स्वयं इसी मंदिर से होते हुए श्रीखंड महादेव गए थे और इसी देवधांग मंदिर पर स्वयं महादेव जी ने तपस्या की थी। और माना जाता है कि इस मंदिर पर बिना माथा टेके हुए श्रीखंड यात्रा सफल नहीं होती है। जरा आप एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। जी हां जी, देखो वो भोलेनाथ जी जो है, एक मिनट बताऊंगा, जब ये यहाँ से ये गुफा जो है ऊपर को ये इनका रास्ता है, जब यहाँ से श्रीखंड महादेव गए थे तो वहाँ भस्मासुर जी इनके पीछे पड़ गए थे, तो जब वो वहाँ से वापसी में आए तो ये उनसे छुपने के लिए यहाँ इन्होंने अपना आसन ग्रहण कर लिया था। तो ये जो है जी ये बजरंगबली महाराज जी जी है, ये शिवलिंग है, जो ये नंदी जी है, ये शेषनाग जी है, वहाँ गणपति महाराज जी है, ये गणपति महाराज जी यहाँ से एक बूंद पानी के नीचे कुंड में जाती है, शेषनाग जी है इधर में, तो वहाँ शिव जी है, वो शक्ति माता है इधर में, तो ये दुर्गा माता है, ये माँ गौरी जी है। सो गाइस यहाँ पर देखिए शिवलिंग के पास नेचुरल तरीके से पानी है और पानी टिप टिप यहाँ से कर रहा है और ये ऊपर का कुछ ऐसा नजारा है गाइस, देखिए ये। तो दोस्तों अब मैं मंदिर से माथा टेक कर निकल चुका हूँ अपनी मंजिल की ओर। मेरा जो फर्स्ट स्टेप देवधांग से होगा वो होगा निर्मंड रोड। 9 बजे की बस मुझे निर्मंड से मिलेगी, वो बस मुझे बागी पुल के लिए ले जाएगी। आपको भी यहाँ से निर्मंड से इजीली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा बागी पुल के लिए। तो दोस्तों अब मैं बागी पुल पहुंच चुका हूं। बागी पुल से आप अपनी जरूरत की चीज जरूर ले लें। गाइस अभी मैं हूं बागी पुल और बागी पुल की तरफ से अभी हम लोग जा रहे हैं जाहू। जाहू गाइस यहां से है 6 से 7 किलोमीटर दूर। तो बागी पुल से गाइस आप कभी भी आओ तो यहां से आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, जैसे कंपलसरी जैसे यहाँ पर गॉगल वगैरह या अम्ब्रेला वगैरह या विंड शीटर शूज वगैरह ये आपको बागी पुल से मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूँ जाऊं विलेज। जाऊं विलेज से अब मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है भराटी नाड़ा। लेकिन दोस्तों जाऊं विलेज से ही आपको यहाँ की खूबसूरती का जो एहसास है वो यहीं से होने लगेगा। दोस्तों यहाँ के झरने, ठंडा ठंडा झरनों का पानी, यहाँ की नदियों की आवाज़ आपका दिल छू लेगी दोस्तों। और जाऊं विलेज जो यहाँ पर इतना खूबसूरत है, यहाँ के बगीचे, यहाँ की हर चीज़ आपका दिल मोह लेगी दोस्तों। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं सिंहघाट। सिंहघाट पर भोले जी का मंदिर के दर्शन होंगे और यहां पर ही लंगर की फैसिलिटी अवेलेबल होगी और ये सिर्फ ऑफिशियल टाइम पर ही अवेलेबल होता है और अनऑफिशियल टाइम पर ऐसा कुछ भी आपको फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। सिंहघाट में ही आपका मेडिकल चेकअप होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप मेडिकल अनफिट होते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा आगे जाने के लिए। गाइस सिंहघाट से हम लोग ने जो भी है डंडे वगैरह यहाँ से कैरी कर लिए, देख सकते हो आप यहाँ पर सब डंडे वगैरह रखे हुए हैं और आप चाहे तो नीचे से भी कैरी कर सकते हो। और यहाँ से हम लोग ने सिंहघाट से कैरी कर लिया और भी सामान वगैरह आपको रास्ते में यहाँ से जैसे पानी की बोतल वगैरह ये सब मिल जाएगा।
सिंह घाट से आगे बढ़ते ही मेरे सामने आ चुका है एक चैलेंजिंग ट्रैक। लेकिन दोस्तों इस पर घबराना नहीं है, लोग इसे देखते ही वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस बार इस रास्ते को काफी चौड़ा कर दिया गया है दोस्तों। देखो पानी का ठंड यहाँ तक आ रही है। बताओ पानी की तो बताओ। दोस्तों फर्स्ट डिफिकल्ट ट्रैक पार करते ही मैं निकल पड़ा हूँ आगे की तरफ। अब चलते हैं, देखते हैं आगे की तरफ। गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं, ये है रास्ता, देखिए भराटी नदी, भराटी नाला। अब ये रास्ता देखिए, हम लोग जा रहे हैं श्रीखंड महादेव यात्रा। और बीच बीच इन दौरान ये रास्ता यहाँ पर मिल रहा है। देखिए गाइस कैसा रास्ता है, ये लोहे की सीढ़ियां गाइस गई हुई है नजदीक तक, नीचे तक। अब मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों भराटी नाला। भराटी नाला से ये जो लोहे की सीढ़ी है ये क्रॉस करते हुए मैं निकल पड़ा हूं आगे की तरफ। और यहां पर हमें मिले बाबा जी। बाबा जी ने हमें यहां पर नाम पूछा और हमारा नाम यहां पर लिखा गया। और यहां पर लोग बैठे हुए थे काफ़ी सारे। यहां पर भी लंगर की फैसिलिटी अवेलेबल है। और यहां पर ये मंदिर है, बाबा जी का स्थान है। और यहां से अब हम पहुंच गए भराटी नाला से आगे की ओर। अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश वाटर भरने के लिए। देखिए यहाँ से मैंने भर लिया बोतल में फ्रेश वाटर, क्योंकि अभी हमें चढ़ना है थाचड़ू की चढ़ाई तकरीबन 12 किलोमीटर। और आगे शायद ही हमें पानी अवेलेबल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रेश वाटर पी भी लिया और अपनी पानी की बोतल भर भी लिया। यहाँ पर पानी भर के यहाँ पर बैठे हुए और मैगी का एंजॉय कर रहे हैं पहाड़ों में बैठ के। यहाँ पर थोड़ा हम लोग 10-15 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर की जो चढ़ाई है ऊपर की चढ़ाई के लिए निकलेंगे। सो गाइस अभी हम लोग जो वो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर की चढ़ाई कर रहे हैं यहाँ से और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए ये चढ़ाई है, ये चढ़ाई है गाइस यहाँ पर। दोस्तों मेरी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है थाचड़ू। थाचड़ू की आपको खड़ी चढ़ाई मिलेगी, इसलिए आप लाइट वेट कैरी करिए, जिससे आपको रास्ते में बहुत आसानी होगी। अब मैं थक चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर बैठ के पहाड़ों का नज़ारा लेते हुए ड्राई फ्रूट्स और चने खा रहा हूँ, ताकि अपनी एनर्जी सेव करते हुए इस जंगल को पार कर सकूँ। शाम के 7 बज चुके हैं और थाचड़ू का सफ़र अभी भी जारी है। लेकिन यहाँ का जो पेड़ पौधे और यहाँ की जो खूबसूरती है वो थकान जरा भी नहीं महसूस होने देती दोस्तों। चलो बस, हर हर महादेव शंभो। गाइस हम लोग रात में देर रात यहाँ पर पहुँचे थाचड़ू में और थाचड़ू में रुके हैं। अब थाचड़ू से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप भी अगर आओगे तो थाचड़ू में स्टे वगैरह
कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आप उस तरफ देख सकते हो, पूरा स्टे वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर आपके मोबाइल में जैसे चार्जिंग वगैरह नहीं है तो यहाँ जनरेटर है, तो जनरेटर की भी चार्जिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और यहाँ से ठाकुरू से आप देखिए क्या व्यू है गाइस, बर्फ के पहाड़ों का। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं काली घाटी की तरफ। काली घाटी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो आगे का जो है मैं आपको आगे के वीडियो में अपडेट दूंगा। थाचड़ू से मैं काली घाटी की चढ़ाई करते हुए आगे की ओर बढ़ता हुआ चला गया। यहीं से आपको अनकंजस्टेड रास्तों की शुरुआत होगी। गाइस हम लोग अभी थाचड़ के जो चढ़ाई है, चढ़ाई के ऊपर बीच में अभी रेस्ट के लिए बैठे हुए और अभी काली घाटी पर पहुंचने वाले हैं। आधा किलोमीटर रह गया है गाइस। और देखिए कैसा यहाँ से व्यू है, बहुत हाइट है, बहुत चढ़ाई है गाइस, ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा चढ़ाई है। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूँ काली टॉप पर और यहाँ मेरी मुलाकात हुई है ये क्यूट से डॉगी से। हर महादेव। गाइस हम लोग श्रीखंड महादेव यात्रा पर अभी यहाँ पर रुके हुए हैं। काली घाटी यहाँ से शुरुआत हो रही है और आप देख सकते हो बारिश भी बहुत जोरदार हुई है। अभी तो थोड़ा मौसम साफ हो गया इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और अभी देखिए मौसम, बर्फ हो गया, पहाड़ कैसे दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप स्टे वगैरह भी कर सकते हैं और चार्जिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल, और वो है माता का मंदिर। अभी हम जाएंगे आगे की तरफ। तो दोस्तों मैंने माता के मंदिर पर धूप जलाकर माथा टेक कर निकल पड़ा हूँ काली घाटी की ओर। और यहाँ से रास्ते और भी डेंजर होने जा रहे हैं। हर साल कई लोग अपनी इसी रास्ते पर जान गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी हम हिम्मत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जय महादेव। गाइस हम लोग अभी काली घाटी से निकल चुके हैं नीचे की तरफ और यहाँ से बर्फ की शुरुआत हम लोगों को यहीं से मिल गई है। देखिए आप बर्फ यहीं से ही बर्फ की शुरुआत मिल गई है। सामने देखिए पहाड़ों पे भी बर्फ है और धुंध छाई हुई है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। दोस्तों इस रास्ते पर आपको एक एक कदम फूक फूक कर चलना होगा क्योंकि यहाँ के रास्ते बारिश में बहुत ही स्लीपी हो जाते हैं। आपको ऐसा शूज कैरी करना है, लाइट वेट रहे और वाटरप्रूफ रहे, आपके पैरों को कंफर्टेबल रहे, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको ना जाने कितनी बड़ा नुकसान में ले जा सकती है। काली टॉप से आपको ज़्यादा पानी कैरी नहीं करना है क्योंकि रास्ते पर आपको हर एक थोड़े थोड़े देर में झरने मिलेंगे, तो आप वहाँ से फ्रेश वाटर भरकर पी सकते हो। अब मैं पहुँच चुका हूँ भीम तलाई से जो नज़ारा था वो रूह को सुकून पहुँचाने वाला था। दोस्तों कहा जाता है कि इस जगह पर पांडवों ने कई साल तक स्वर्ग को जाने के लिए महादेव की उपासना की है और इसीलिए यहाँ पर कई जगह पर नाम भीम से जाने जाते हैं। गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं कुंशा का कुछ ऐसा व्यू है और सामने देखिए झरना है, फॉग आ गई है अभी तो आपको इतना क्लियर नहीं विजिबल होगा, सामने पानी का झरना है। कुंशा से पहले आपको पानी के ऐसे बहुत झरने मिलेंगे जिसका पानी पीने के बाद आपको बहुत ही एनर्जेटिक फील होगा और आपकी आगे की यात्रा काफी आसान हो जाएगी। दोस्तों झरने से फ्रेश वाटर भरकर हम कुंशा वैली की तरफ बढ़ चुके हैं और यहाँ से जो नज़ारा है जिसे देखकर आप दुनिया की सारी फिक्र भूल जाएंगे और अपने आप को महादेव के शरण में महसूस करोगे। महादेव जय भोले। जैसे कि श्रीखंड महादेव यात्रा ग्लेशियर से भरी हुई होती है दोस्तों, आपको बहुत ही सावधानी और तैयारी के साथ आना है क्योंकि इस बार की यात्रा में आप लोगों को ग्लेशियर और बर्फ भरे रास्तों का सामना काली घाटी से ही तय करना होगा।
अरे ये तो दोस्तों आप देख ही सकते हो कितनी मुश्किल यात्रा है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। भाई आराम से देखिए, नहीं मेरा भी रिस्की है। जय भोले। काली घाटी से कुंसा वैली के बीच आपको इस बार ऐसे डरावने खतरनाक ग्लेशियर और रास्ते मिलेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि हम वापस लौट जाए। दोस्तों मैं यही आपको सलाह दूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आगे का सफ़र नहीं कर पाओगे तो आप वहीं से ही वापस लौट जाओ, क्योंकि इसके आगे और भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। दोस्तों मैं कैलाश श्रीखंड महादेव के बारे में शॉर्ट स्टोरी में आपको बताना चाहता हूँ कि भस्मासुर नाम का एक असुर हुआ करता था। उसने कठिन तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया। महादेव ने उसे वरदान में भस्म कंगन दिया कि वो जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, जिससे भस्मासुर को ये गुरूर हो गया कि अब वो जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो उसने महादेव को ही भस्म करने की कोशिश की थी। तो दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में देवधाम मंदिर के बारे में बताया था, तो वहां से महादेव अंतर्ध्यान होकर श्रीखंड महादेव की आखिरी चोटी जहाँ शिवलिंग है वहां चले गए थे। फिर उन्होंने तपस्या में शिवलिंग का रूप ले लिया और फिर विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर को नृत्य के जाल में भस्मासुर का ही हाथ उसके सिर पर रखवा दिया, जिससे वह भस्म हो गया। दोस्तों इसी तरह मेरे वीडियो पर बने रहे, आगे का सफर और भी रोमांचक होने वाला है। और हम चल पड़े हैं भीमद्वारी की ओर। 3 किलोमीटर पर भीमद्वारी आने वाला है। दोस्तों ऐसे ग्लेशियर आपको बहुत मिलने वाले हैं, तो आपको बहुत ही सावधान होना है। और यहाँ का मौसम कभी भी सडनली चेंज हो जाता है और रास्ते बहुत ही स्लीपी हो जाते हैं, धुंध छा जाती है। दोस्तों रास्ते जरा भी नहीं दिखते हैं, तो आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ से चलना होगा, क्योंकि रास्ते स्किट हो गए आप सीधा नीचे खाई में जा गिरोगे। दोस्तों इसलिए आपको बहुत ही फोकस करना है, क्योंकि यहाँ के रास्ते दिखने में जितने खूबसूरत है उतने ही ज़्यादा खतरनाक भी है। गाइस ये बीच रास्ते में ये ग्लेशियर आ रही है। गाइस देखिए गाइस बीच रास्ते में ग्लेशियर आ रही है और पूरा कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ। यह है श्री महादेव, श्रीखंड महादेव यात्रा के बीच के सफर के व्यू। देखिए गाइस पूरा धुंध छाया हुआ है और मैं अकेला ही चल रहा हूं। देखिए दोस्तों फाइनली हम भीमद्वार पहुंचने ही वाले हैं। 1 किलोमीटर का फासला रह गया है और वीडियो पर आप बने रहना, आगे की वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है।
हर हर महादेव। लेटर ले आइए ना। गाइस हम लोग अभी भीम द्वार में रुके हुए हैं और बारिश इतनी लगी है कि बता भी नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग स्टे कर लिए भीम द्वार में। यहाँ देखिए आग के पास मेरे को चूल्हे के पास बैठ गया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। अब मैं आपको बाहर का सीनरी दिखा देता हूँ गाइस कैसा है, देखिए बाहर का मौसम। दोस्तों ऐसे खराब मौसम में भी हम लोग हिम्मत जुटा कर यहाँ पर पहुंचे हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस हम लोग अभी भीम द्वार में रुके हुए हैं और सामने का व्यू देखिए आप कैसा व्यू है। और नाइट में हमने यहाँ स्टे किया हुआ है, बहुत ठंडे बाहर कोहरा छाया हुआ है, बारिश भी चल रही है, मौसम खराब है। और यहाँ पर हमने स्टे किए हुए ये भाई जी है, इनका नाम है भीम द्वार में अगर आप आते हो तो इनका नाम है रोशन भाई। ये बहुत ही मतलब इनकी फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है और सेवादारी तो बहुत अच्छी करते हैं। कल क्योंकि हम लोग आए थे थक गए थे, बहुत भीगे हुए थे, तो भाई जी ने बहुत हेल्प की है हमारी। और अभी देखिए गरम गरम पराठे बन रहे हैं, गरम गरम पराठे ठंड में हमारे को बना के दे रहे हैं भाई जी। तो भाई जी अगर आप अगर आप आओगे तो रोशन जी से आप यहाँ पर मिल सकते हो, इनकी जो फैसिलिटी है बहुत अच्छी है। अभी आगे का जो भी है हम लोग निकलेंगे ब्रेकफास्ट करके पार्वती बात की तरफ, फिर आगे का अपडेट मैं आपको देते रहूंगा। गाइस भीम द्वार से अगर आप गुजरोगे तो ऐसे ऐसे ग्लेशियर आप लोगों को मिलेंगे। अभी हम भीम द्वार ही है और सामने जो है झरना है ग्लेशियर का, अभी हम वो झरने की तरफ जा रहे हैं गाइस। द्वार से महादेव ट्रेक का सही समय 3-4 बजे का है क्योंकि वहां पर धुंध पड़ जाती है और हमें वापस भी लौटना है, वहां पर स्टे ऑप्शन कुछ नहीं है। अब यहां से ट्रेकिंग बहुत ही मुश्किल होने वाली है दोस्तों। इस ग्लेशियर पे चलना आपको फिजिकली मेंटली और स्पिरिचुअली फिट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ के जो ग्लेशियर है वो बहुत ही खोखले हो चुके हैं। आप कभी भी इस ग्लेशियर में धस के पानी के बहाव में बह के जा सकते हो। गाइस ये ग्लेशियर अब हमारे को पार करना है, देखिए और ग्लेशियर भी गाइस खोखला हो चुका है। ये इतना डेंजर पॉइंट है ना गाइस कि मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को, इतना डेंजर पॉइंट है। और कैमरा भी इस जो पानी का बहाव है उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा होगा जितना मैं अपनी आंखों से एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। बहुत ही डेंजर पॉइंट है गाइस ये, श्री महादेव श्रीखंड महादेव यात्रा पर। देखिए अब इसको पार करना है, खड़ा पहाड़ है, बहुत रिस्की है गाइस। दोस्तों ये झरना 150 मीटर की दूरी से जो गिरता हुआ आपको दिख रहा है, ये वही झरना है जहां माँ पार्वती ने महादेव को समाधि से बाहर निकालने के लिए उत्साहित किया था। और दोस्तों इस झरने से जो नज़ारा जो मैंने महसूस किया है, शायद ही मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नज़ारा महसूस किया है। यकीन मानो दोस्तों जब आप इस जगह पर पहुंचोगे, मानो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे महादेव जी की नजर आप पर है। गाइस देखिए अभी हमारे को ये सीधी खड़ा ग्लेशियर है, ये पार्वती बाग के लिए ये जो रास्ता गया हुआ है खड़ा ग्लेशियर है। गाइस देखिए पूरा ग्लेशियर है, अभी हमें ये ग्लेशियर चढ़ना है। और देखिए सामने का व्यू बहुत ही रिस्की पेस है गाइस, फिर भी हम लोग हिम्मत कर रहे हैं जाने की।
चलिए देखते हैं पहुंच पाते हैं क्या नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ कैलाश जा रहे हैं। ये है गाइस हमारी कैलाश की चढ़ाई। भीम द्वार से हम ऊपर चल रहे हैं पार्वती बाग। गाइस ये अभी हम लोग चल रहे हैं श्रीखंड महादेव कैलाश की चढ़ाई। देखिए आगे पूरा ग्लेशियर भरा पहाड़ है, बहुत ही रिस्की है। चलो थोड़ा सा सामने की तरफ देखो, हम लोग वहाँ पर नीचे की तरफ से आए, ढलान भी दिया। कितनी ढलान है, बहुत ही रिस्की है गाइस। बता दो आजू बाजू का भी बता दो। चलो गाइस बहुत ही रिस्की है ये, भीमद्वार से हम पार्वती बाग की तरफ ग्लेशियर चढ़ रहे हैं। चलो थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसमें, ये चलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यो भाई सबका एक साथ में बोलेंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों फाइनली हम महादेव दर्शन के कुछ ही दूरी पर है और यहाँ का सफर बहुत ही कठिन होते जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ही कमी है। आपको इस जगह पर तीन चीजों की खास जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर या कपूर, पानी की बोतल, सनग्लासेस, क्योंकि यही चीज जान बचाने में हमारी मदद कर सकती है। इस जगह पर वही पहुंच पाता है जिसके दिल में महादेव के लिए भरपूर श्रद्धा होती है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीखंड महादेव। बड़ा कठिन पोजिशन था, पीछे आप देख सकते हो ये है महादेव दर्शन। देख कर लीजिए गाइस महादेव के दर्शन, और नीचे की तरफ पूरा ग्लेशियर है गाइस। बड़ी मुश्किल से आए ऊपर। जय भोले। गाइस बड़ी मुश्किलों का सफ़र करते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।